हेलो एंड वेलकम। पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर है स्पेस टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बताऊं कि जिनको पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अभी आपको पढ़ना है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, गगनयान और बाकी चीज़ें समझने से पहले सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। क्या है स्पेस, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, वायोनॉट में क्या फ़र्क है, स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट में क्या फ़र्क है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, इसरो का ऑरिजिन क्या होगा, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह पढ़ोगे। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इंजन तो बहुत सारे किस्म है, क्रायोजेनिक क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के टाइप्स, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की बात यहां पे हो रही है गगनयान में। उसके बाद हाइपर प्लेन बनाना है इंडिया को, मकसद की बात है। आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दिमाग में होनी चाहिए, 5-10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ओके, पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर ये अर्थ है ठीक है भाई, ये स्पेस क्या होता है सबसे पहले दिमाग में आता है, स्पेस क्या होता है, अर्थ है ठीक है, अर्थ के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर का जितना भी एरिया है उसी को बोलते हैं स्पेस। और इसमें आप कोई भी चीज करो, मतलब आप स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी जो अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाहर तो चीजें ठीक है, अब अर्थ और एटमॉस्फेयर से बाहर जो ह्यूमन जाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन मिशन, ह्यूमन मिशन। अगर ये ह्यूमन मिशन होगा तो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, कॉस्मोनॉट्स जाते हैं, वायोनॉट्स जाते हैं, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, तीनों इंसान है स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूएसए के लोग बोलते हैं, हमारे जो जाएंगे उनका नाम है एस्ट्रोनॉट्स। रशिया ने बोला नहीं, एस्ट्रोनॉट्स हम नाम नहीं देंगे, हम देंगे कॉस्मोनॉट्स। और इंडिया ने बोला जो भी ह्यूमन स्पेस में हमारी तरफ से जाएगा वो ना ही एस्ट्रोनॉट, ना ही कॉस्मोनॉट, ना ही यूएसए, ना ही रशिया, हमारा अपना नाम वायोनॉट्स होगा। तो इंडिया के जो मैन जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन जो जाएगा एटमॉस्फेयर में, सॉरी स्पेस में, उसको बोला जाएगा वायोनॉट्स। तो गगनयान ह्यूमन मिशन ही है, तो जो ह्यूमन जाएगा इंडिया से उसको ना ही एस्ट्रोनॉट बोलोगे, ना ही कॉस्मोनॉट बोलोगे, वायोनॉट बोलोगे, ठीक है ना, VYOMANUATS। ओके, उसके बाद आपको ये जानना है कि ये जो अर्थ है, अर्थ से आप बाहर किसी को भेजोगे, ह्यूमन को, सैटेलाइट को भेजोगे, किसी को भी भेजोगे, तो आप किस तरह से भेजोगे, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे अर्थ पे जो सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, इसको बोलते भी हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, इसको बोलते भी हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसकी वजह से सैटेलाइट लॉन्च हो सकता है। अब सैटेलाइट लॉन्च होगा स्पेस में ठीक है, अब ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्च होगा स्पेस में वो सिर्फ सैटेलाइट भी नहीं हो सकता, वो बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं, वैसे उसको बोलते हैं पेलोड, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पेलोड। अब ये ऊपर सैटेलाइट भी हो सकता है, पेलोड मतलब ऊपर जो ऊपर आपको स्पेस में भेजना है वो सैटेलाइट भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। अभी ये आपको क्लियर हो ना, अभी इसी को मैं अच्छी तरह बताऊंगा क्योंकि यहां पे गला खराब हो जाएगा। देखो, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मैंने बोला, फिर बोला पेलोड, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिसकी वजह से आप ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, और पेलोड क्या हो सकता है, सैटेलाइट ही हो गया, कुछ भी हो सकता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पहले आया था, उसके बाद आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसके बाद आया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसके बाद बनाया गया जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसके बाद बनाया गया कुछ ही टाइम पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसके बाद बनाया इंडिया ने, अभी ये इंडिया काम कर रहा है इस पे, गगनयान आपकी पहली न्यूज, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ये पहली न्यूज। उसके बाद हमें बनाना है हाइपर प्लेन, मतलब हाइपर प्लेन भी अभी नहीं बनाया, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, यहां पे गगनयान आपका न्यूज है, बन जाएगा 2022 में। अभी ये सारी चीजें जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, इनको तो आपको मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं पेलोड क्या क्या हो सकता है, क्या हम स्पेस में भेज सकते हैं, सैटेलाइट को भेज सकते हैं स्पेस में, स्पेस में भेज सकते हैं सैटेलाइट के बगैर, स्पेस क्राफ्ट को भेज सकते हैं, स्पेस शटल को भेज सकते हैं,
या स्पेस स्टेशन, एसटी, ओके एसटी, स्टेशन, स्पेस स्टेशन को, सैटेलाइट को भेज सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट को भेज सकते हैं, स्पेस शटल को भेज सकते हैं, स्पेस स्टेशन को भेज सकते हैं बाहर, ठीक है ना। अभी इनमें आपको समझना है फर्क थोड़ा सा। ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये पहला वाला, इसमें चार स्टेजेस का इंजन था, चारों स्टेज थे सॉलिड के, सॉलिड 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 सॉलिड, चार स्टेजेस ऑफ इंजन। फिर उसके बाद सैटेलाइट, आप सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को बोल सकते हो रॉकेट भी भाई, जिसकी वजह से ऊपर आप भेजोगे ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आया एडवांस्ड, या इसका नाम किसी किसी बुक में है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या एडवांस्ड बोलो। इसमें पांच स्टेजों वाला रॉकेट, ये है पांच स्टेजों वाला रॉकेट, ये है पांच स्टेज वाला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पांच स्टेज, और सारी की सारी स्टेजेस थी सॉलिड 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 स्टेज, मतलब फ्यूल सॉलिड होता है। देखो भाई, फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके जलता है ना, दोनों को बोलते हैं प्रोपेलेंट। जो फ्यूल है ना, फ्यूल वो सॉलिड है, तो सॉलिड पहले स्टेज में सॉलिड, दूसरे स्टेज में सॉलिड। मैं ये स्टेजेस आपको अब दिखाऊंगा कैसे होता है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में पहली बार लिक्विड स्टेज आया, रॉकेट की एक लिक्विड स्टेज आई, पहला सॉलिड स्टेज था, उसके बाद लिक्विड स्टेज, स्टेज का मतलब दूसरे स्टेज में फ्यूल का जलना, और जब वो जल जाता है फिर वो नीचे गिर जाता है, नेक्स्ट स्टेज रॉकेट की स्टार्ट होती है बर्न करना और अपना थर्स्ट दिखाना, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा। पहले स्टेज है सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड जलेगा, लिक्विड इंजन, तीसरे स्टेज में सॉलिड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड। अभी सॉलिड पहले स्टेज में और फोर्थ स्टेज में लिक्विड, याद रखना हमेशा हर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में पहले सॉलिड ही होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहां पे भी सॉलिड, हर एक जगह सॉलिड ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि सॉलिड ज्यादा थर्स्ट देता है। लेकिन इन दोनों को हटा के हमने, ये अब यूज नहीं होते हैं, ये अब यूज ही नहीं होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनका लास्ट स्टेज सॉलिड था ना, लास्ट स्टेज लिक्विड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल हो जाए। देखो, सॉलिड पावर देता है, सबसे ज्यादा पावर आपको चाहिए जमीन पे ऊपर थर्स्ट देने के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल सॉलिड होता है, इसीलिए पहली स्टेज हमेशा सॉलिड, फिर ऊपर हवा में लास्ट पे लिक्विड स्टेज हमेशा होती है। पहले सॉलिड थे लेकिन उनको खत्म किया हमने, लिक्विड ये अब नहीं चलते, ये बाकी चलते हैं लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज क्यों? क्योंकि लिक्विड कंट्रोलेबल है, लिक्विड स्टेज कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको, लिक्विड स्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप वेलोसिटी ट्रिम कर सकते हो, इसीलिए लिक्विड स्टेज को बोलते हैं वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी। पता है क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेज में आप फ्यूल और ऑक्सीजन को पहले ही मिक्स नहीं करते, प्रीमिक्सड नहीं होता, शायद ही आपको आगे समझ में आ जाए। और उसके बाद जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, वो तीन स्टेज का था, ये चार स्टेज का था, ये पांच स्टेज का था, ये चार स्टेज का है, सॉलिड लिक्विड, उसके बाद ये तीन स्टेज का है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तीन ही स्टेज का है, कौन कौन सी स्टेज है? सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। अब नया वर्ड क्रायोजेनिक आया, ये बात आपको समझ में याद रखना। और सुमार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कुछ ही टाइम बनाया गया, बहुत ही आसान है, इसमें चार स्टेजेस हैं, लेकिन सॉलिड 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 लिक्विड याद रखना, ये आपको ये दो चीजें इस न्यूज में पढ़ने हैं। देखो, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी आपको इस न्यूज में पढ़ने हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया कि इनमें फर्क कहां पे है, मेन इंपॉर्टेंट फर्क कि इनका जो ये इंजन है अंदर से, जो कि स्टेजेस में जलता है, पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी स्टेज लिक्विड, इसी तरह तीसरी स्टेज क्रायोजेनिक, वो इसमें होगा, और स्टेजेस मैंने आपको बताया। अभी हम बना रहे हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जो आपका यह गगनयान टॉपिक है, मतलब फिर से नीचे आएगा व्हीकल लोगों को लेके, ऊपर जाएंगे ह्यूमन। ये इंडिया का पहला मैनड मिशन है। आप सोच रहे हो कि सर राकेश शर्मा तो इंडिया का है, कल्पना चावला इंडिया ना, वो इंडिया ने नहीं भेजे, बाहर कंट्रीज ने भेजे थे। इंडिया का अपना पहला मैनड मिशन गगनयान है, जिसमें रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की बात है, फिर से नीचे आकर वो व्हीकल रीयूज हो जाएगा। अरे जब इंसान नीचे आएगा तो फिर से वो व्हीकल आके नीचे रीयूज होगा ना, अच्छा वो ऊपर ही नहीं जलेगा, वापस ही आएगा। उसके बाद हाइपर प्लेन बनाने की बात है। हाइपर प्लेन का मतलब जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करे, हमें अंदर से फ्यूल में ऑक्सीडाइजर देने की जरूरत नहीं, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ये सक करे, ठीक है। जहां तक एटमॉस्फेयर होगा थोड़ा सा फ्यूल लगेगा, ऑक्सीडाइजर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जहां तक ऑक्सीजन होगा वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वहां तक सक करेगा। अभी ये जो पेलोड है सैटेलाइट के होता है, अर्थ के इर्द गिर्द कोई बॉडी घूमे,
स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट होता है आउटर स्पेस में कोई जाए, मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सन को स्टडी करने के लिए लिंग्विगर पॉइंट्स पे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है SS, मतलब उसके बाद मैंने बोला स्पेस शटल, और स्पेस शटल यही रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ही है। स्पेस शटल होता है जो वापस आए, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल स्पेस शटल सेम ही है, स्पेस शटल और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल सेम ही है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की वजह से ही स्पेस शटल बन सक वापस आ सकता है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल जो जो रॉकेट है उसी की वजह से ही स्पेस शटल वापस आ सकता है। तो ये दोनों मिक्स्ड है। स्पेस शटल क्या है? जो ऊपर जाएगा वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में जो ऊपर ही रहेगा स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाकी सारी चीजें। अभी ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, इतना तो समझ में आपको आ गया। अब आपके दिमाग में यह होगा कि सबसे पहले यहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद इसरो लिखा है, इसरो क्या है? और उससे पहले मैं आपको यह भी बताऊं कि यह अगर रॉकेट है, ऊपर है कोई पेलोड, आप सैटेलाइट ही ले लो, चलो ऊपर है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट ऊपर, याद रखना इसको मैं फिर से बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आगे ऊपर चलो आगे, ये तो आगे है, मान लो ये कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, ये है आपका रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिसकी वजह से आप लॉन्च करोगे, और ऊपर है सैटेलाइट आपका, पेलोड आपका। देखो इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज, कितनी स्टेजेस हैं, कौन सा रॉकेट है, कौन सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। लेकिन बात ये बतानी है मुझे कि यहां पे कुछ रॉकेट लगे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स, स्ट्रैप ऑन मोटर्स या बूस्टर्स इनको बोलते हैं, जो बूस्ट करे, जो पहले स्टेज पे होते हैं, इस वाले स्टेज पे, इनको बोलते हैं स्ट्रैप ऑन बॉस, ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं रॉकेट टाइप, इनको बोलते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स या स्ट्रैप ऑन मोटर्स, जो कि और थ्रस्ट दे दे। लेकिन ऊपर सैटेलाइट जब अकेला रहता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन खत्म हो जाता है ना, नीचे वाला पोर्शन खत्म होता हो जाता है, ऊपर जब सैटेलाइट अकेला रहता है तो सैटेलाइट की भी डायरेक्शन देनी है ऊपर नीचे, तो सैटेलाइट में जो रॉकेट लगे होते हैं जो कि सैटेलाइट को डायरेक्शन दे, उनको बोलते हैं थ्रस्टर्स। सैटेलाइट में जो रॉकेट लगे होते हैं जिनकी वजह, जो आप सेंसर्स की वजह से एक्टिवेट करके सैटेलाइट को भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ऊपर हवा में, और जो वहां पे रॉकेट लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं थ्रस्टर्स। जो यहां पे जमीन पे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे लगे होते हैं रॉकेट, उनको बोलते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स या स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी कभी कभी बोल सकते हो आप। यहां पे बस इतना याद रखो, टी थ्रस्टर्स, यहां पे स्ट्रैप ऑन एस। ओके, अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसरो को समझने से पहले आपको और एक चीज समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप अर्थ पे बाहर स्पेस में कोई भेजोगे, ठीक है, तो स्पेस में स्टेजेस है, स्पेस में स्टेजेस है। पहला स्टेज जो स्पेस की है उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। उसके बाद होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट या इंटरमीडिएट अर्थ ऑर्बिट। उसके बाहर भी अगर आप भेजते हो उसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल या इंटरमीडिएट अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ये तो बहुत आसान लगता होगा आपको, बहुत ही आसान है ये। लेकिन जब आप इसको चाहे लो में, चाहे मिडिल में, चाहे हाई अर्थ ऑर्बिट में किसी को भेजोगे, जैसे सैटेलाइट की अगर बात करें, तो आप जब भेजते हो, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, याद रखना ये अर्थ है। अगर आप किसी सैटेलाइट को घुमाते हो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे इस शक्ल में, इस ऑर्बिट को बोलेंगे पोलर ऑर्बिट, और नॉर्मली ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है, छोटे नजदीक ही होता है अर्थ के, पोलर ऑर्बिट इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये अर्थ है, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे इक्वेटर के हिसाब से, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट, बहुत आसान है। मगर अब आपके दिमाग में होगा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट आपके दिमाग में होगा। देखो अभी अर्थ है, अर्थ से आप ऐसे कोई सैटेलाइट को घुमाते हो, ऐसे जहां पे पहले एक ऑर्बिट दिया, फिर अपना ऑर्बिट चेंज किया, फिर तीसरे नंबर पे यहां पे पहुंचा, जहां पे ये ट्रांसफर होता है ऑर्बिट, अपना ऑर्बिट चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, याद रखना जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। अब इसमें यहां पर नजदीक वाला पॉइंट जो है ना अर्थ और सैटेलाइट का, उसको बोलते हैं एपोजी, और जो अर्थ और सैटेलाइट जो दूर है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिजी। समझ में तो आता होगा ना, एपोजी मतलब, सॉरी सॉरी, ए फॉर एपोजी मतलब अपार्ट। ओ ये तो
उल्टा हो गया भाई, ए से अपार्ट याद रखना, पी से पास याद रखना। ये है पी, पेरिजी, क्योंकि पास है ना। ये डिस्टेंस अर्थ की और सैटेलाइट की, सैटेलाइट की। ये है दूर, ए एपोजी, हाँ याद रखना, पी से पास, ए से अपार्ट, दूर, दूर वाली डिस्टेंस। ओके, उल्टा हुआ था। अभी जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तो समझ में आ गया, अब है आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है, अगर अर्थ के इक्वेटर से आप दूर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे सैटेलाइट को घुमा रहे हो, 36,000 किलोमीटर की दूरी पे सैटेलाइट को घुमा रहे हो, याद रखना 36,000 किलोमीटर की दूरी, इसलिए क्योंकि इसी दूरी पे आपकी अर्थ के साथ साथ आपका सैटेलाइट घूमेगा, तभी तो इसको बोलते हैं आपकी अर्थ के साथ साथ आपका सैटेलाइट घूमेगा, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होंगे उनको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, लेकिन डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर की दूरी पे। अगर नजदीक होगा तो आपका सैटेलाइट जल्दी घूमेगा, अगर दूर होगा आपका सैटेलाइट और लेट घूमेगा। यहां पर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे आपका सैटेलाइट घूमता है अर्थ के इर्द-गिर्द 24 आवर्स में, मतलब अर्थ के साथ साथ चलता है, अर्थ के रोटेशन के साथ अपना रेवोल्यूशन करता है। अगर आप उससे दूर भेजोगे तब अर्थ के स्पीड की को वो कैच नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन 36,000 किलोमीटर की दूरी पे जियो स्टेशनरी वो लगता है। अर्थ से जब आप उस सैटेलाइट को देखते हो वो स्टेशनरी लगता है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। 36,000 किलोमीटर दूरी पे याद रखना, मैंने किसी जगह किलोमीटर की बात नहीं की, क्योंकि यहां पे 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लगभग ऊपर नीचे कंपलसरी है। अब अगर आप इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर की दूरी पे सैटेलाइट को लॉन्च करोगे लेकिन थोड़ा सा टिल्ट में, इक्वेटर के हिसाब से नहीं सैटेलाइट चलेगा, थोड़े से टिल्ट में सैटेलाइट चलेगा, इक्वेटर के थोड़े से टिल्ट में, तो इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी ही नहीं है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जो इस पे सैटेलाइट घूमेगा इस ऑर्बिट में उसे बोलेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो आया ना, जियो सिंक्रोनस मतलब इक्वेटर के हिसाब से नहीं लेकिन 36 किलोमीटर की दूरी पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी समझ में आएगा। अब है भाई, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ये कैसे मैं भूल गया, ये अर्थ है, पोल टू पोल घूमेगा, इसको बोलेंगे पोलर ऑर्बिट। मगर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी कुछ होता है, वो क्या होता है, अगर ये सन है, सन है और 12 बजे ये इस अर्थ के पार्ट पे सैटेलाइट मिलता है, अर्थ की इस जगह पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये सैटेलाइट मिलता है 12 बजे। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ये होता है कि दूसरे दिन 12 बजे सेम ये सैटेलाइट यहीं पे मिलना चाहिए, सन के टाइम के हिसाब से पोलर ही ऑर्बिट है, पोल टू पोल ही घूमेगा, लेकिन सन के टाइम के हिसाब से ये फिर से वहीं मिलेगा, 5 दिन बाद फिर से यहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक चक्कर करता है जब तक दूसरा दिन आएगा, ना 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 ना, वो तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट तो नहीं होते इतने लंबे, इतने दूर दूरी पे, वो इतने स्लो नहीं चलते, वो तो दो दो घंटे में चलते हैं, दो दो घंटे में चलते हैं, लेकिन वो दो दो घंटे में चले, ढाई ढाई घंटे में चले, लो अर्थ ऑर्बिट में ये होते हैं, पोल टू पोल घूमते हैं, लेकिन जब भी वो चले 4 घंटे बाद चले, लेकिन मकसद की बात है अगर 12 बजे इस जगह पे मिला है तो 12 बजे नेक्स्ट दिन इसी जगह पे होना चाहिए, वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, मुझे बताओ ये इंडिया है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यहां पे, हम यहां पे श्रीहरिकोटा में लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, हम इसको लॉन्च करते हैं यहां पे, ठीक है। अगर हम इसको लॉन्च यहां पे करते हैं, आपको मेरा सवाल है, हम नहीं पूरी कंट्रीज, पूरी दुनिया की चाहती है कि एक तो इक्वेटर की लाइन के नजदीक लॉन्चिंग स्टेशन होना चाहिए जहां से लॉन्च करें, ऐसा क्यों, आपको सवाल है। दूसरा, ईस्ट कोस्ट पे ही हमेशा लॉन्चिंग करने की कोशिश होती है, ईस्ट कोस्ट मतलब अगर समंदर है, अगर ये कोई जगह है समंदर है तो ईस्ट कोस्ट पे ही लॉन्चिंग होने की कोशिश होती है, हर एक कंट्री की कोशिश होती है कि हमारा लॉन्चिंग व्हीकल जहां से लॉन्च करें हम सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शटल या स्पेस स्टेशन को, वो इक्वेटर पे ही होना चाहिए। दूसरा,
ईस्टर्न कोस्ट पे, ऐसा क्यों? और तीसरा ईस्टर्न डायरेक्शन में ही क्यों, थोड़ा सा डायरेक्शन ईस्ट में हम देते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आप जवाब दे दो और अब हम पढ़ेंगे इसरो। ये आपके लिए बहुत चीजें जरूरी थी, आपको समझ में आएगा आगे क्यों। अभी हमें पढ़ना है इसरो, इसरो की थोड़ी सी कहानी जाननी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। देखो भाई, इसरो कैसे बना? इसरो बना इनकॉस्पार से इसरो बना। पहले बॉडी इनकॉस्पार थी, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च इनकॉस्पार। अब ये इनकॉस्पार का हेड कौन था पहले? देखो इनकॉस्पार बना किसकी वजह से? विक्रम साराभाई की वजह से। इसीलिए तो बोलते हैं ना, विक्रम साराभाई है इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी का फादर। फादर कौन है इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी का? विक्रम साराभाई की वजह से क्या बना? इनकॉस्पार। इनकॉस्पार ही बाद में क्या बना? इसरो। ये सारी चीजें 1960s की बात है। पहले जो इनकॉस्पार बना ना, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर के अंदर डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इनकॉस्पार था या इसरो भी था, ठीक है ना? इनकॉस्पार जो बाद में इसरो बना, लेकिन फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसरो किस डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर, ठीक है ना? तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इनकॉस्पार था या इसरो था, अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर इसरो है, ठीक है ना? इसरो पहले इनकॉस्पार होता था। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, इसरो के कुछ विंग्स आपको जानने हैं, आपको बहुत आसानी से, तीन ही विंग्स याद रखो, बहुत सारी है लेकिन आपके लिए काम की तीन ही है फिलहाल। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सैटेलाइट बनाना है, ठीक है ना? सैटेलाइट बनाओगे ना, या कोई भी स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल, कुछ भी, वो सैटेलाइट आप इसरो के एक डिपार्टमेंट, एक विंग में बनाते हो। उस विंग का नाम है, याद रखना, सैटेलाइट सेंटर, या उसको बोलते हैं यूआर राव, क्योंकि यूआर चीफ था इसका, इसरो का। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है ये, मतलब बेंगलोर में सैटेलाइट बनता है। किस सेंटर में? यूआर राव स्पेस सैटेलाइट सेंटर। ये किसका एक विंग है? इसरो का। दूसरा विंग, सैटेलाइट तो बन गया, इस सैटेलाइट तो बन गए, लेकिन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी तो बनाना है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी तो बनाना है ना। ओके, अच्छा, ये जहां पे सैटेलाइट बनता है वो कहां पे बनता है? बेंगलोर कर्नाटक में। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहां बनेगा? वो बनता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई के नाम पे, वो भी इसका चीफ था, हेड था इसरो का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थ्रिवनंथपुरम कहाँ पे है? केरला में। और यहाँ पे सैटेलाइट नहीं बनेगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनेगा, SLV। सैटेलाइट कहाँ पे बना? बेंगलोर यूआर राव सैटेलाइट सेंटर। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहाँ पे बना? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, श्री विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थ्रिवनंथपुरम। ओके, अब सैटेलाइट भी बना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी बना, लेकिन इसको लॉन्च तो करना है ना। लॉन्च करने के लिए हम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। थ्रिवनंथपुरम कहां पे? केरला में। यह सब सारी चीजें आपको बताया। देखो भाई, सिंपल में इसरो के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, विंग्स हैं, लेकिन दो तीन आपको याद रखने हैं। सैटेलाइट जहां पे बनेगा उसको बोलते हैं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर कर्नाटक। जहां पे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनेगा उसको बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थ्रिवनंथपुरम केरला। और जहां पे एक्चुअल में लॉन्चिंग होगी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, उसका नाम है इसरो की वो जो विंग है, उस विंग का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां पे लॉन्चिंग होगी। अब हम पढ़ेंगे गगनयान, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये 24 मिनट्स हो गए, मेरे हिसाब से बहुत हो गया, क्योंकि अगर हम अब गगनयान पढ़ेंगे बहुत लेक्चर बंडा हो जाएगा। लेकिन अभी आपको गगनयान नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में होगा सवाल, सर क्रायोजेनिक आपने बोला था, SLC क्रायोजेनिक भी, सब कुछ बताऊंगा मैं इस लेक्चर में। हमें क्या पढ़ना है? गगनयान। मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। गगनयान पढ़ना है, गगनयान मतलब इंडिया स्पेस में भेजेगा ह्यूमन,
पहली बार इंडिया ने स्पेस में ह्यूमन नहीं भेजा है, और ये गगनयान में हम भेजेंगे 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है ना, 5 से 7 दिन के लिए 3 पीपल हम स्पेस में भेजेंगे, उसके टेस्ट चल रहे हैं, क्या क्या टेस्ट किए जाएंगे, और फिर उसके बाद आपका जो ये थोड़ा सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है दिया गया है यहाँ पे, सैटेलाइट लॉन्चिंग GSLV क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, SSLV क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया इस लेक्चर में। उसके बाद में ये स्पेस सेंटर VR राव सेट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे, रिपीट हो जाएंगी जो मैंने बोले, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे। हाँ, GSLV के वेरिएंट्स भी है, MK1, MK2, MK3 GSLV के अंदर टाइप्स हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे Mark III क्या लिखा है, Mark III, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर मारो यार, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, हमें जब वेव्स आएंगे बहुत ज़्यादा तभी तो हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको शेयर मारो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और कमेंट करो नीचे आपको कैसा लगा लेक्चर। चलो गगनयान, हम अभी आज ही दूसरे लेक्चर में आपका गगनयान आएगा। ओके, बाय।